18वीं सदी में लड़े गए सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसने एक ही दिन में हजारों योद्धाओं को काल का ग्रास बना दिया। आइए जानते हैं इस विनाशकारी युद्ध से जुड़े इतिहास को। 18वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत वर्षों से भारत की जमीन पर सीना ताने खड़ा मुगल साम्राज्य अब घुटनों पर आ चुका था। दूसरी तरफ मराठाओं का भगवा परचम बुलंदी पर लहरा रहा था। पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में राजपूताना मालवा तथा गुजरात के राजा मराठाओं के साथ मिल चुके थे। मराठों के लगातार आक्रमणों से मुगल बादशाहों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उत्तर भारत के अधिकांश इलाके जहां पहले मुगलों का शासन था, अब वहां मराठों का कब्जा हो चुका था। 1758 में पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव ने पंजाब पर विजय प्राप्त कर मराठा साम्राज्य को और अधिक विस्तार दिया, परंतु उनकी जितनी प्रसिद्धि बढ़ी, उनके शत्रुओं की संख्या में भी उतनी ही बढ़ोतरी हो गई थी। इस बार उनका सीधा सामना अफगान नवाब अहमद शाह अब्दाली के साथ था। अब्दाली ने 1759 में पश्तून तथा बलोच जनजातियों को मिलाकर एक विशाल सेना का संगठन किया, साथ ही पंजाब में मैराथन की छोटी छोटी टुकड़ियों से लड़ते हुए विजय प्राप्त की। इसी तरह अब्दाली अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता रहा। अंततः 14 जनवरी 1761 को पानीपत में अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना व मराठों के बीच 18वीं सदी का सबसे भयावह युद्ध लड़ा गया। मराठा साम्राज्य का विस्तार। सन 1707 के बाद छत्रपति शिवाजी द्वारा देखा गया संपूर्ण भारत पर मराठा साम्राज्य के आधिपत्य का स्वप्न अपूर्ण होता प्रतीत हो रहा था। 1758 में मराठाओं ने दिल्ली सहित लाहौर पर भी कब्जा कर लिया था तथा तैमूर शाह दुर्रानी को वहां से खदेड़ दिया। अब मराठा साम्राज्य की हदें उत्तर में सिंधु एवं हिमालय तक तथा दक्षिण में प्रायद्वीप के निकट तक बढ़ गई थी। ये मराठों की सर्वोच्च उपलब्धि थी। उन दिनों मराठा साम्राज्य की कमान पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव के हाथों में थी। बालाजी ने अपने पुत्र विश्वास राव को मुगल सिंहासन पर बैठाने का मन बना लिया था। अभी तक नाम मात्र के लिए दिल्ली पर मुगलों का शासन था और वे सभी मराठों के विस्तृत होते हुए साम्राज्य को देखकर भयभीत थे। अहमद शाह अब्दाली का भारत आगमन। 1758 में पंजाब पर किए गए हमले के बाद लाहौर पर अपना कब्जा करने के बाद मराठों ने तैमूर शाह दुर्रानी को खदेड़ दिया था। तैमूर शाह अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। अब्दाली को यह बात नागवार गुजरी और उसने भारत पर हमले का मन बना लिया। सबसे पहले उसने पंजाब की उन जगहों पर हमला किया जहां मराठा फौजें कम संख्या में थीं। इसके बाद वो अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ता गया। समय के साथ मुगल शासक दो भागों में बट गए थे, एक वो जो भारतीय मुस्लिम थे और एक वो जो भारत के बाहर से आकर यहां पर शासन कर रहे थे। मराठा भारतीय मूल के मुसलमानों के पक्ष में थे। अब बाहरी मुसलमान शासक किसी विदेशी सहायता की प्रतीक्षा में थे, जो उन्हें अहमद शाह अब्दाली के रूप में प्राप्त हुई। अहमद शाह ने पंजाब, कश्मीर तथा मुल्तान पर कब्जा जमाने के बाद दिल्ली की राजनीति में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। जिनकी सहायता की वही निकले गद्दार। मराठों द्वारा अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जंग का ऐलान किया जाना इतिहास में एक निर्णायक घटना बन गई। मराठों ने न केवल अब्दाली को पराजित करने की योजना बनाई थी, बल्कि उन्होंने बंगाल जाकर बढ़ती जा रही ब्रिटिश ताकतों को रोकने का भी मन बना लिया था। अगर यह संभव हो पाता तो शायद ब्रिटिश साम्राज्य का अंत उसके उदय से पूर्व ही हो जाता, परंतु अपनी ही कुछ कमियों के कारण मराठा अंदर ही अंदर कमजोर पड़ते जा रहे थे। कहने के लिए कुछ मुगल शासक मराठों के साथ थे, किंतु उनकी वफादारी हमेशा संदेह के घेरे में रही। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी के समय से मराठों के राजपूतों से बहुत घनिष्ठ संबंध थे, परंतु 1750 के बाद मराठा राजपूतों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप करने लगे और किसी एक का पक्ष लेने लगे। इस तरह इन्हें दूसरे पक्ष की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। उस समय राजा सूरजमल मराठों के कट्टर समर्थक थे, किंतु जब उन्होंने दिल्ली का गवर्नर बनने की इच्छा जाहिर की, तब मराठों ने उन्हें छोड़कर शुजाउद्दौला को चुना। इस कारण राजा सूरजमल का मराठों से मोह भंग हो गया। शुजाउद्दौला का पक्ष लेने के मराठों के पास दो कारण थे। पहला ये कि उसके पास 50,000 घुड़सवारों की मजबूत सेना थी, और दूसरा ये कि शुजाउद्दौला शिया मुस्लिम था।
वह अफगानी सुन्नियों के पक्ष में कभी भी नहीं जा सकता था। हालांकि मराठों का अनुमान उस समय गलत साबित हुआ जब अब्दाली के इस्लामिक एकता की बात से सहमत होकर शुजाउद्दौला उसके पक्ष में हो गया। दोनों पक्षों को मिली बाहरी सहायता। 14 अप्रैल 1760 को मराठा सेना भाऊ सदाशिव राव के नेतृत्व में पुणे से दिल्ली की ओर रवाना हुई। यहां से प्रस्थान करते समय मराठा सैन्य बल में लगभग 50,000 पैदल सैनिक थे। आगे के सफर में जैसे जैसे मराठों को अपने सहायकों की मदद मिली वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती गई। इब्राहिम खान गार्दी का भी मराठों की ओर से इस युद्ध में विशेष योगदान रहा। गार्दी के पास 8,000 सैनिक थे जो फ्रांसीसी बंदूकों को चलाने में माहिर थे। इसके अलावा गार्दी के पास 200 उत्कृष्ट बंदूकें तथा तोपें भी थीं, जिनका उन दिनों विशेष महत्व था। मई और जून के बीच जब मराठा आगरा पहुंचे तब मल्हार राव होलकर तथा जुनकोजी सिंधिया भी अपनी सेनाओं के साथ मराठा सेना में शामिल हो गए। इस कड़ी में मराठा सेना जब दिल्ली पहुंची तब उनकी सैन्य शक्ति लगभग 2,00,000 हो चुकी थी। उस समय मुगल सम्राट मराठों की सहायता के लिए संधिबद्ध थे। दूसरी तरफ दिल्ली में मराठों के बहुत कम शुभचिंतक थे। असल में वे मराठों के बढ़ते वर्चस्व से खुश नहीं थे। इसका फायदा उठाते हुए नजीब खान जैसे बादशाहों ने तो अब्दाली को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। 1739 में भी मुगल नेताओं द्वारा नादिर शाह को इसी तरह आमंत्रित किया गया था, परंतु नादिर शाह ने भारत को लूटते वक्त हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया। साथ ही मुगल सम्राट का मयूर मुकुट तथा कोहिनूर हीरे सहित लगभग 100 करोड़ की संपत्ति भारत से लूट कर ले गया। दिलचस्प बात तो ये थी कि अब्दाली ने न केवल लूट के मंसूबे के साथ भारत में अपने कदम रखे बल्कि उसका सपना दिल्ली के सिंहासन को मुगलों के हाथों से छीनना था। इसी के तहत उसने उत्तरी दिल्ली में बसे हुए अफगानियों को अपनी तरफ कर लिया जो कि उसके लिए इस युद्ध में फायदेमंद साबित हुआ। मकर संक्रांति के दिन रण में मृत्यु का तांडव। 14 जनवरी 1761 को मकर संक्रांति के दिन पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। इब्राहिम गार्दी की विशेष बंदूकों तथा तोपों ने रणभूमि में हाहाकार मचा रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मराठा आज एक नया इतिहास लिख देंगे, किंतु शाम होते होते युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। दोनों पक्षों के करीब 40,000 सैनिक काल के ग्रास बन चुके थे। पेशवा के पुत्र भाव विश्वास राव, जसवंत राव पवार तथा तुकोजी सिंधिया सहित कितने ही योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के विनाश का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसका कम से कम एक सगा संबंधी इस युद्ध में मारा ना गया हो। मराठों की ओर से मरने वाले केवल सैनिक ही नहीं थे बल्कि आम नागरिक भी थे जो मराठा सेना के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। मराठों की हार के बाद अब्दाली ने अपनी सेना के साथ इन नागरिकों को मारते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पुरुषों को मार दिया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों को गुलाम बना लिया गया। इस कारण जीतते जीतते हार गए मराठा। अगर आप सोचते हैं कि अब्दाली की सेना ने मराठों को परास्त किया तो आपका ऐसा सोचना पूर्ण रूप से सही नहीं है। मराठों को अब्दाली की सेना ने नहीं बल्कि ठंड ने हराया था। मराठा सेना युद्ध स्थल के मौसम से अनजान थी तथा पतली धोती और कुर्ता पहनकर हथियारों के साथ जंग के मैदान में कूद पड़ी, जिसका परिणाम ये हुआ कि सर्दी से उनकी हालत पस्त हो गई, जबकि अब्दाली को इस मौसम का पूरा अनुमान था। उसने अपनी सेना को मौसम के अनुकूल पोशाक पहनाकर युद्ध में उतारा था। दूसरी तरफ सदाशिव भाऊ की भावुकता ने मराठों की पराजय पहले ही सुनिश्चित कर दी थी। हुआ यूं था कि युद्ध के मैदान में विश्वासराव भाऊ को गोली लग गई। विश्वासराव भाऊ सदाशिव राव के अत्यंत प्रिय थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सदाशिव राव बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर विश्वास राव के पास चले गए। इधर सदाशिव राव भाऊ के हाथी पर उन्हें ना पाकर मराठा सेना भयभीत हो गई। उन्हें लगा कि भाऊ वीरगति को प्राप्त हो गए। परिणाम स्वरूप हार की ओर बढ़ती अब्दाली की सेना में नया जोश आ गया और वो फिर से उठ खड़े हुए। इस युद्ध में एक दिन में तकरीबन 40,000 योद्धा मारे गए जो किसी भी सामान्य युद्ध में मरने वाले योद्धाओं की संख्या से बहुत ज्यादा थी। भारत की दुर्गति का हमेशा से ही यही कारण रहा है कि यहाँ राजाओं तथा बादशाहों ने अपना अपना फायदा सोचा और बाहरी दुश्मनों को पनाह दी। इसके विपरीत अगर शुरुआत से ही सभी एकजुट होकर लड़ते तो शायद आज हमारा देश सबसे शक्तिशाली होता।
दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।